अल्लाह अकबर। एक वक्त आया सुराका जब दार इस्लाम में दाखिल हो गए, कहते हैं कि एक वक्त आया कि सुराका बीमार हो गए, बीवी बच्चे रोने लग गए। सुराका ने अपनी आंखें खोली, फरमाया क्यों रोते हो? कहा आपका लगता है कि आखिरी वक्त है। कहा मेरा ये आखिरी वक्त नहीं है, मुझे हुजूर ने फरमाया था सुराका में तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं, मशरिक से निकला हुआ सूरज मशरिक में गुरूब हो सकता है, पत्थर पर लगी हुई लकीर मिट सकती है, लेकिन आमना के लाल का इरशाद कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमा दिया मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो कंगन हाथों में नहीं आए और मौत आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? फिर आ गया दौर फारूक आजम। फारूक आजम ने तो ईरानियों की ईंट से ईंट बजा दिया, ऐसा बेड़ा गर्क किया फारूक आजम ने, आज तक चीखो पुकार है उनकी। फारूक आजम ने कैसर और किसरा को फतह कर दिया। आ गए साहब जो बादशाह जेवरात पहना करते थे तश्त में रखे हुए, उसके ऊपर कंगन और उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ, हुजूर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया गया। फारूक आजम ने कहा जरा ये कपड़ा तो उठाओ, ये क्या मामला? कहा हुजूर ये बादशाह का सोना जो वो इस्तेमाल करते हैं ये इसके अंदर मौजूद है। फरमाया जरा मुझे दिखाओ कपड़ा हटाओ। जब कपड़ा हटाया ऊपर दो कंगन रखे हुए, ओहो। फरमाया सुराका को बुलाओ, सुराका कहां है? सुराका को बुलाओ। ओहो हजरत सुराका के नाम की तो अब धूम मच गई, तलाश करने लग गए सहाबा किराम और ताबईन। फिर सुराका को लेकर के आए, सुराका तुम्हें अमीरुल मोमिनीन तलब कर रहे हैं। फारूक आजम की बारगाह में जब आए, हुजूर फारूक आजम ने फरमाया सुराका इधर करीब आओ, मेरे ये कंगन उठा अपने इस हाथ में पहन, ये कंगन उठा अपने इस हाथ में पहन, अब अपनी कलाइयों को हिलाओ ताकि मेरे आका का इरशाद पूरा हो जाए। सुराका मैं तेरे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा। अल्लाह अकबर। अब देखें आप ये दोनों कंगन सोने के, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सोने को अपने हाथ में लिया और रेशम को अपने हाथ में लिया और फरमाया ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। तो अब फारूक आजम से किसी ने एतराज नहीं किया, हुजूर जब सोना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मर्दों पर हराम करार दे दिया तो आपने सुराका को सोने के कंगन क्यों पहनाए? तो फारूक आजम का जवाब यही होगा, जिस जुबान ने इस सोने को मर्दों पर हराम कहा है उसी जुबान ने सुराका के लिए जायज कहा है। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा।